एक ऐसी मूवी का ट्रेलर आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं जिसका मैंने टीजर रिएक्ट किया था, और उस टीजर के कमेंट, मतलब जिसको जिस टीजर को मैंने रिएक्ट किया था उसके कमेंट बॉक्स में लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि इस मूवी के ट्रेलर को भी रिएक्ट करो। एंड मुझे ही नहीं, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जितने भी रिएक्शन चैनल्स के क्रिएटर्स हैं, और मतलब जिन जिनकी भी मराठी ऑडियंस है, वो सब कह रही है, ठीक है, वो सारी ऑडियंस कह रही है उन सब क्रिएटर्स से कि इस मूवी के ट्रेलर को ज़रूर से रिएक्ट करो। तो मैं भी आ चुका हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं लेट हो चुका हूँ, और बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका हूँ। मूवी 5 तारीख को आ रही है, 5 मई को आ रही है, और मैं इसको 2 मई को रिएक्ट कर रहा हूँ, तो उससे पहले ही माफ़ी मांगता हूँ, 5 दिन लेट है हम इसको रिएक्ट करने में। 7 लाख कुछ व्यूज़ हैं इस पर अभी के टाइम पे, मतलब 7 लाख, देखो प्रॉपर 700K व्यूज़ हैं, ठीक है। तो हम डाइव इन कर लेते हैं, पहले मराठी मूवी है ये, बलोच नाम है इसका, है बलूच नाम है, ठीक है, वो प्रोनाउंस में सही कर रहा। हेडफोन्स के लिए ये कह रहे हैं कि हेडफोन्स लगा लो बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए, तो मैंने लगा लिया, तुम भी लगा लो मेरे रिएक्शन के लिए। बाकी हम कहीं ना कहीं डॉल्बी एटमॉस में थोड़ी सी हाई रेज में वीडियो में शूट वो करता हूँ एडिट, तो आपको होप एक्सपीरियंस आपका और अच्छा होगा। तो डाइव इन कर लेते हैं, पहले 2 मिनट 26 सेकंड का है, 1080p में, 4K में नहीं है, बस ये थोड़ा सा था बताना था, जो 1080p में होता तो सॉरी 4K में होता तो मज़ा आता, बट चलो डाइव इन कर लेते हैं पहले। एंड मराठी है तो सुन आ ही जाएगा, आ जाओ। ओके, मराठों ने जिस तरह हमारे 5,000 सिपाही के सिर कलम किए थे, उसी तरह हमारे फतेह का जश्न भी हम मराठों का कत्लेआम करके मनाएंगे। ओके, इसमें प्रवीण सर ने काम किया है, ठीक है, एंड प्रकाश सर ने डायरेक्ट किया है मूवी, एंड बहुत अच्छा काम डायरेक्शन दिया है उन्होंने इस मूवी को। मरना तो पड़ेगा, बहुत तारीफ हो रही है इस मूवी के ट्रेलर की, तो देखते हैं। स्वराज्याचा भगवा है तो कधी गुलामीत राहणार नाही। ओके, आणि कुणाला राहू भी देणार नाही। ओके, शायद मैंने प्रवीण सर को देखा है और मूवीज में, देखो मुझे नहीं पता, मैं ज्यादा मूवीज नहीं देखता, बट हाँ पातव गुण येत नाही अशा मातीत जन्म घेतलायस तू, आज तुझी नहीं आम्ही गुलामीची नाळ कापली असं समज। यार सबटाइटल्स होने चाहिए थे क्योंकि मुझे प्रॉपर मराठी नहीं आती, ये मेरे लिए ड्रॉबैक है कहीं ना कहीं। बाकी विजुअल्स ऑल ओवर बहुत बढ़िया लग रहे हैं। एक वेळ अंगातलं रगात संपल पण मनगडातली रग नाही संपणार अंबाजीची। जर वेळ पडली ना तर चुली मोर्चा फुकणीची पण तलवार। ओके, गुलामीची लाकड इंटरेस्टिंग लग रही है भाई। ज्यासाठी होळी साजरी करायची आता आणि त्या पेटलेल्या होळीतच जाफर अली नावाचा रावण जाळायचा। पानीपतातली जखम ठिणगी होऊन जणू वणवा पेटला या भर वाळवंटात। मराठी मातीतील गोरींना इतक्या हलक्यात घ्यायचं नाही सुभेदार। विश्वास और हथिया दोनों पानीपत के जंग में तुम खो चुके हो, बचा क्या है तुम लोगों के पास? ही सफेद रेती गनिमाच्या रक्तानं इतकी लाल करू की येणाऱ्या पिढ्या ध्यानात ठेवतील की मराठ्यांच्या औलादी इथे येऊन गेले। गाना अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है, मतलब ठीक है, एनर्जेटिक है बहुत ज्यादा। नाइस, देखो देखो मेरी बहुत सारी मराठी ऑडियंस को शायद से नहीं पता है, या पता होगा तो देखो मैं पहले ही माफी मांगता हूँ कि मुझे कुछ खास, मतलब ये नहीं कह रहा मैं पसंद नहीं आया, मुझे अच्छा लगा, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई गलत वे में मत ले जाना प्लीज़ प्लीज़, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, क्योंकि मैं मराठी लैंग्वेज को कुछ ज़्यादा खास नहीं जानता, या फिर मैं नहीं, मतलब क्योंकि मैं नॉर्दर्न साइड से बिलोंग करता हूँ इंडिया के, एंड मैं मराठी लैंग्वेज को ना पढ़ना जानता हूँ, एंड ना ही मतलब ठीक है समझ में आती है मुझे, ठीक है, अगर कोई सामने से बोल रहा है तो, या मतलब कहीं कन्वर्सेशन चल रही है दो लोगों के बीच मराठी लैंग्वेज में, या तो मुझे नहीं आएगी समझ में, मैं यही कहूँगा क्या कह रहे हो आप, ठीक है, या क्या मतलब बोलना चाह रहे हो आप हिंदी में बोलो। तो मैं बस ये चाह रहा था कि इसमें हिंदी में या इंग्लिश में सबटाइटल्स होते, ठीक है, या फिर ये ट्रेलर हिंदी में होता तो कहीं ना कहीं मुझे भी समझ में आता, और मेरी जितनी मेरी भी और जो ऑडियंस है जो अलग अलग लैंग्वेजेस को बिलोंग करती है, मैं हिंदी को मतलब मैं सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही जानता हूँ और कोई लैंग्वेज नहीं जानता, तो जैसे मुझे भी कहीं ना कहीं सहायता होती इसको समझने में, एंड और लोगों को होती, बस यही है, यही कहना चाहता हूँ। बाकी ऑल ओवर मुझे विजुअल्स अच्छे लगे, ठीक है, जो आपके प्रोडक्शन है बहुत अच्छा है, कलर ग्रेडिंग कहीं ना कहीं अच्छी दी गई है, वो एक ओल्ड वाइब देने की, एक ओल्ड थीम या ओल्ड टेंट देने की कोशिश की गई है मूवी में। गुलामीची नाळ कापली, ये देख रहे हो ना, थोड़ा सा डार्क वाइब, थोड़ा सा वार्म और डार्क वाइब को मिक्स कर रखा है, एंड वो कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है।
और मतलब यही है, बाकी उस ओल्ड स्कूल वाइब को भी कहीं ना कहीं फॉलो किया गया है, ठीक है। एंड वो भी देखने में अच्छा लग रहा है। ये सीन ऐसा लग रहा है कि देखो, आई नो ये मॉडर्न, आजकल के मॉडर्न कैमरा से ही शूट किया गया, लेकिन कलर ग्रेडिंग और जो ब्लर इफेक्ट इसमें दिया गया है, ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत पुराने टाइम की ये मूवी है, ठीक है। टॉपिक बहुत पुराने टाइम का है, और एक्चुअल ये हो सकता है कि रियल बेस्ड टॉपिक पर बनी हुई हो मूवी, लेकिन वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, एक सूदिंग दे रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आजकल की मार धाड़ वाली मूवीज़ हैं, प्रॉपर एक्शन चल रहा है, कहीं बम फूट रहे हैं, कहीं कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सूदिंग वाइब वाली मूवी है। आई नो इसमें भी लड़ाई दिखाई गई है, युद्ध दिखाया गया है, जंग चल रही है, वो उस लेवल का नहीं है, और वो अच्छा लग रहा है, ठीक है। वो वाइब अच्छी दे रहा है, ठीक है, पॉजिटिव वाइब दे रहा है। एंड और ये ज़्यादातर इस ट्रेलर के कमेंट बॉक्स में लोग, ज़्यादातर मराठी लोग होंगे जिन्हें समझ में आया वो, एंड उनके कमेंट्स देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ मूवी एक्चुअल में अच्छी है, और मुझे अच्छा लगा ट्रेलर, ठीक है। मैं कहीं ना कहीं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस मेरी तरफ से थोड़ा सा ऐसा लगा, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, और मतलब अगर उनका उनसे रिलेटेड मूवी है तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी होगी, ठीक है। देखो झूठ झूठ मैं बोलूँगा नहीं कि मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा मैं बंदा नहीं हूँ कि भाई मुझे समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन फिर भी हाँ हाँ सब आ गया जी, हाँ हाँ सब आ गया, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। हाँ लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि समझ रहे हो ना, बट बुराई नहीं कर रहा मैं, बस मुझे समझ में नहीं आया, बस मैं ये चाहता हूँ कि इसका हिंदी में भी जल्द से जल्द ट्रेलर आए और मैं उसको रिएक्ट करूँ, एंड कहीं ना कहीं हम सब और जितनी भी ऑडियंस है वो सब भी मज़ा कर पाए। बाकी देखते हैं कि मूवी को इन थिएटर्स में, बॉक्स ऑफिस में मतलब कलेक्शन कितना होता है, लोग इसे कितना प्यार देते हैं, देखते हैं। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा, देखने में अच्छा लगा, समझने में कुछ नहीं आया, फिर से बता रहा हूँ, वो देखने में अच्छा लगा। बाकी तुम बताओ अपना ओपिनियन, अपना सुझाव, अपना नज़रिया, एंड मुझे ज़रूर से समझाओ, ठीक है, कि इसके अंदर क्या चल रहा था, ट्रेलर के अंदर ये किस टॉपिक पे है मूवी। आई नो मराठा, मतलब अपनी मराठा इंडस्ट्री कह लो, सिविलाइजेशन से रिलेटेड ये मूवी होने वाली है। होप होप देखो ये गलत वर्ड हो सकता है, अगर गलत वर्ड है तो मुझे प्लीज़ करेक्ट कर दो, क्योंकि जब मुझे समझ में नहीं आया तो मेरे अंदर वो वर्ड्स भी नहीं बन पा रहे, या मैं वो वर्ड्स भी नहीं सोच पा रहा कि क्या कहूँ, बस कहने की कोशिश कर रहा हूँ बट कह नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। बाकी ऑल ओवर मुझे अच्छा लगा और सब चीज़ों में, बस मुझे समझ में नहीं आया कि एक्चुअल में क्या चल रहा था। बाकी तुम बताओ अपना ओपिनियन, अपना सुझाव, अपना नज़रिया। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि समझ में तुझे कुछ नहीं आया, फिर भी बोल रहा है कि अच्छा है अच्छा है अच्छा है, मैं विजुअल्स को देख कर बोल रहा हूँ, साउंड को देख कर बोल रहा हूँ, म्यूज़िक को देख कर बोल रहा हूँ, मैं डायलॉग्स को नहीं समझ पाया, सारा खेल डायलॉग्स का था, एंड मैं डायलॉग्स को नहीं समझ पाया क्योंकि मराठी लैंग्वेज नहीं जानता हूँ, प्लीज़ मुझे समझा देना। बाकी मैं चलता हूँ, लेता अलविदा, प्लीज़ ज़रूर से मुझे समझा देना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लो, बाकी हम चलते हैं, लेता अलविदा, बाय बाय गाइस, बाय बाय।